हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आप लोग मेकअप करने से पहले अपने डार्क सर्कल को कैसे हाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम लोग को ऑरेंज कैरेक्टर क्यों यूज़ करना चाहिए और ऑरेंज कैरेक्टर यूज़ नहीं करने से क्या होता है। अगर आप लोग का डार्क सर्कल है तो ऑरेंज कैरेक्टर यूज़ करते हैं इसीलिए ताकि हम लोग का जो डार्क सर्कल है वो ऑरेंज कैरेक्टर यूज़ करने के बाद वो कवर हो जाएगा और मेकअप बहुत ही ज़्यादा रियल लगेगा। और अगर आप लोग ऑरेंज कैरेक्टर यूज़ नहीं करते हैं तो आप लोग का मेकअप बहुत ही फेक लगेगा, क्योंकि क्या होता है अगर आप लोग डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई करते हैं और बाद में कंसीलर अप्लाई करते हैं तो आप लोग का जो ये डार्क सर्कल का एरिया होता है ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेस हो जाता है और मेकअप अच्छे से नहीं होता है। तो इसीलिए हमेशा हम लोग को करेक्टर यूज़ करना चाहिए। आप लोग पीच करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग के साथ एक कंसीलर शेयर करूँगी, आप लोग लिक्विड कंसीलर भी बोल सकते हैं या ऑरेंज करेक्टर भी बोल सकते हैं। तो आज मैं जो कंसीलर आप लोग के साथ शेयर करूँगी वो है ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर, और आप लोगों को ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में मिल जाता है और इसमें इसका प्राइस है 229 रुपीज़, जो आप लोग को इजीली अंडर 200 में मिल जाता है, क्योंकि ये हमेशा ऑफर में ही रहता है। और इसके जो लिक्विड कंसीलर होता है स्विस ब्यूटी का उस तरह ही है, सेम सिर्फ ये ऑरेंज कलर में है। तो इसको मैं थोड़ा सा अपने हैंड पे लगा के आप लोग को दिखाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये फुल ऑरेंज में ही ये करेक्टर। तो यही करेक्टर अभी मैं यूज़ करूँगी और आप लोग के साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी। और ये कंसीलर आप लोग को पर्पल में मिल जाएगा, मैंने पर्पल से ही लिया था और अमेजन में भी अवेलेबल है, पर नायका में अवेलेबल नहीं था, मैंने चेक किया था। और फ्लिपकार्ट से आप लोग मत लेना, फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है पर फ्लिपकार्ट में मत लेना, क्योंकि फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट जो होता है मेकअप प्रोडक्ट वो फेक होता है और आप लोग को वहाँ पर मनी वेस्ट करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैंने लिया था और वो प्रोडक्ट बहुत ही फेक है, मुझे देख के ही पता चल गया, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी सेट मेंशन नहीं था और रिटर्न का ऑप्शन भी नहीं होता है, तो आप लोग का मनी वेस्ट होता है। तो इसीलिए आप लोग हमेशा ट्राई करना कि अमेजन फ्लिपकार्ट अमेजन पर्पल और नायका से आप लोग ट्राई कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से कभी भी। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग को ऐसे कंटेंट देखना पसंद है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मेरे फेस पे कोई भी मेकअप नहीं है और यहाँ पे मैंने सिर्फ मॉइस्चराइजर अप्लाई किया था और अपने डार्क सर्कल पर मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ ऑरेंज करेक्टर, और अपने फिंगर की हेल्प से मैंने इसे ब्लेंड किया है और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है। फिर यहाँ पे मैं लूज़ पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम लोग लूज़ पाउडर अप्लाई नहीं करें तो क्या होता है कि हम लोग का फाउंडेशन जो हम लोग बाद में अप्लाई करेंगे वो करेक्टर के साथ मिक्स हो जाएगा। तो हमेशा हम लोग को लूज़ पाउडर या कम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना चाहिए करेक्टर लगाने के बाद। और फिर मैंने यहाँ पर फाउंडेशन अप्लाई किया है। यहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ और कंसीलर को मैंने ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर दिया है और इसे मैंने अपने पूरे फेस को कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर दिया है। तो इसको यूज़ करने के बाद मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा, ये कंसीलर सच में बहुत ही अच्छा है और अंडर 200 ये तो ये बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोग को एफोर्डेबल रेंज में कुछ करेक्टर चाहिए तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करना, और सच में ये बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है। होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं अपने इंस्टाग्राम पर कभी कभी मेकअप रिव्यू शेयर करती हूँ और ट्रांसिशन वीडियोज़ मेकअप वीडियोस। अगर आप लोग को ऐसे कंटेंट पसंद है तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करना, मैं इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।